बिहार में जब से शिक्षक भर्ती आई है तब से लगातार संशोधन के बाद संशोधन लगातार हो रहा है और लगातार अभ्यर्थी जो है परेशान हो रहे हैं। और अब 25 तारीख की डेट में जो मीटिंग का आदेश है वो यहाँ पर जारी किया गया है। 25 की डेट में मीटिंग यहाँ पर सीएम के द्वारा आयोजित की जाएगी। अदर स्टेट वालों को या तो पूरी तरीके से बाहर किया जा सकता है या फिर ये हो सकता है कि अदर स्टेट का जो कोटा है वो यहाँ पर फिक्स कर दिया जाए, 10% या फिर 15% या फिर 20% देखने को मिल सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको यहाँ पर राज्य कर्मी का दर्जा दे दिया जाए। सब कुछ आपको प्रूफ के साथ यहाँ पर दिखाने वाले हैं। पास होने के 40+ जो ट्रिक हैं वो एक्सपर्ट के माध्यम से यहाँ पर बताई गई, वो भी आपको बताने वाले हैं। और एक सीट पर 10 लोग अभी तक हो चुके हैं। जनरल ओबीसी में अगर आप 60 नंबर लेकर के आते हैं, अदर स्टेट के हैं 60 नंबर ले आते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सब कुछ आपको बताएंगे कैसे होगा क्यों होगा, आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। एक छोटी सी सूचना मैं और आपको देता चलूं, हमने एक नया चैनल आप सभी के लिए बनाया है बिहार शिक्षक भर्ती के नाम से, जिसमें 165 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आप सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पर SCERT के जो डिटेल्ड हैं, जो हमारे नोट्स बने हुए हैं उनका हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं और हमारी ये फर्स्ट क्लास है जो अपलोड हो चुकी है, आप जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक यहाँ पर दिया गया है, जिसे क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा। आप इस वीडियो को देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, नेक्स्ट वीडियो तुरंत आएगा। अगर आप लोग जो है 500+ इस वीडियो को देख लेते हैं शेयर करके, किसी भी तरीके से 500 व्यूज आ जाएंगे तो हमारा नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगा इसी चैनल पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो SCERT है क्लास 4th की EBS, उसकी पूरी मैराथन जो है इसी चैनल पर अपलोड की गई है, नए चैनल पर। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दिया गया है। एक सूचना, मैं बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं खास करके प्राइमरी की, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है हमारे संस्थान की तरफ से। मात्र 199 में इसमें ऑफर चल रहा है। सभी जो कंप्लीट नोट्स हैं पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज यहाँ पर तैयार कर लिए गए हैं और ये मात्र 199 में इसमें ऑफर चल रहा है। आपको नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, यहाँ से नोट्स बाई कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को कमेंट बॉक्स को चेक करिएगा जहाँ पर बाई करने का लिंक यहाँ पर दिया गया है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको पेमेंट करना होगा किसी भी तरीके से ऑनलाइन 199 का, और आपको तुरंत एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जाएगा, आप उसको ज्वाइन करिएगा। समस्त नोट्स आपको यहाँ पर जो है टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं SCERT बुक्स यहाँ पर मैं कवर करवा रहा हूँ, कक्षा 1 से लेकर 10 तक के सभी SCERT बुक्स का पीडीएफ कुछ इस तरीके से यहाँ पर निचोड़ आपको मिलने वाला है, आप यहाँ पर जल्दी से देख लीजिएगा ताकि आपका ज्यादा समय ना जाए। दूसरी बात, SCERT के अलावा आपको NCERT के ऐसे ही आपको सभी पीडीएफ्स मिलेंगे। इसके अलावा सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, साइंस, एनवायरनमेंट, नेशनल मूवमेंट, जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टेटिक जीके, बिहार स्पेशल, बिहार करंट अफेयर, इंडिया वर्ल्ड के करंट अफेयर, इसके सभी हैंड रिटन जो नोट्स वहाँ पर दिए जाएंगे। यानी कंप्लीट तैयारी आपको जो है यहाँ से करा दी जाएगी। आप अगर एक बार नोट्स बाई कर लेते हैं तो 100% आप यहाँ पर एक सीट पक्की कर लेंगे, और अगर आप जो है सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं तो 100% आपका जो पूरा पेमेंट होगा वो यहाँ पर वापस कर दिया जाएगा। क्योंकि नोट्स मैंने अच्छे तरीके से बनाए हैं तो मैं यहाँ पर गारंटी लेता हूँ कि पेपर इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर आप नोट्स बाई करते हैं सिलेक्शन नहीं होता तो आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा और अपना स्क्रीनशॉट पेमेंट वाला भेज दीजिएगा, हम आपको जो है पूरा पैसा यहाँ पर वापस कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स हैं वो आपको तुरंत टॉपिक वाइज जो है जैसे ही आप बैच को परचेज करेंगे वो तुरंत आपको मिल जाएंगे। तो सारे सब्जेक्ट के नोट्स मैंने यहाँ पर जो है भेज दिया है, आप स्क्रीन पर सब कुछ देख सकते हैं। सारी जानकारी आपको यहाँ पर वीडियो के माध्यम से मिल चुकी होगी। ये कुछ बिहार स्पेशल का मैं सैंपल आपको दिखा रहा हूँ और ये बिहार आपकी करंट अफेयर है, सब कुछ आपको मिलेगा, बस आप नोट्स को बाय कर लीजिए। सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे पास होने की 40+ ट्रिक जो एक्सपर्ट के माध्यम से यहाँ पर बताई गई हैं, उनको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दैनिक भास्कर पटना समाचार पत्र है, 16 जुलाई 2023 की डेट में यहाँ पर कहा गया, विशेषज्ञ ने कहा सेट प्रैक्टिस अच्छे तरीके से आपको हल करना, चूँकि 5 ऑप्शन इस बार दिए जाएंगे। जो बिहार के BPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी तैयारी उसी तरीके से करते हैं। लेकिन जो अदर स्टेट के साथी हैं उनको यहाँ पर दिक्कत होगी, चूँकि जो 5th नंबर का ऑप्शन होगा वो लिखा होता है उपयुक्त में से दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो बड़ा कन्फ्यूजन है। इस वजह से अगर आप टेक्स्ट बुक वगैरह पर टेस्ट दे रहे होंगे तो आपके शायद मार्क्स भी डाउन वहां पर हो रहे होंगे। अगर 4th 4 ही ऑप्शन होते तो शायद आपके नंबर ज़्यादा बढ़िया होते। तो कहने का मतलब है आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, चाहे आप ऑनलाइन करिए चाहे ऑफलाइन करिए, लेकिन ऑफलाइन जिस भी किताब से करनी है जिसमें 5 ऑप्शन दिए हैं उसी से करनी है, अन्यथा अगर आप 5 ऑप्शन से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आप एग्जाम हॉल में आपके साथ दिक्कत ज़रूर होगी और आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जो भी आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है, चाहे टेक्स्ट बुक से लगाइए चाहे कहीं से लगाइए, टेक्स्ट बुक वाले तो 5 ऑप्शन दे रहे हैं, बाकी अगर कहीं और से लगाएंगे या किसी बुक से लगाएंगे जिसमें 5 ऑप्शन हो तो वहीं से लगाइए। दूसरी बात, यहाँ पर कहा गया है कि बिहार में अगर आप एग्जाम दे रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती वाला, तो परीक्षा के लिए आपको SCERT की जो बुक्स हैं जो बिहार की, उनको आपको जरूर पढ़ना चाहिए। 1 से लेकर के 10th तक की जो बुक्स हैं वो पढ़ना चाहिए, लेकिन प्राइमरी के लिए मैं फिर कहूँगा कि 1 से लेकर के 8 तक की जो बुक्स हैं वो आपको पढ़ना चाहिए। SCERT का आपने अभी वीडियो के माध्यम से अंदर देख ही लिया कि मटेरियल पूरा आपको दिया जा रहा है पेड बैच में, पेड ग्रुप में, तो आप जुड़ सकते हैं। समस्त नोट्स आपको जो है हैंड रिटन वहाँ पर मिल जाएंगे, आप डाउनलोड करिए अच्छी तरीके से पढ़िए। SCERT NCERT सब कुछ वहाँ पर दिया गया है, ज़्यादा समय बचा नहीं, फटाफट जो है आप
बाई कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर फिर देखिए कहा गया बीपीएससी ने प्रश्न पत्र का फॉर्मेट भी यहाँ पर जारी किया है, दो पेपर की होगी परीक्षा, पहला भाषा और दूसरा जीएस। अब यहाँ पर जो एक्सपर्ट ने कुछ जानकारी बताई है आप यहाँ पर देखिए, हर दिन कम से कम 3 प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है, अलग अलग पब्लिकेशन के हों लेकिन 5 ऑप्शन हों ऐसा बताया गया एक्सपर्ट के द्वारा। अच्छे गाइड का आपको चयन करना है, उससे आपको पढ़ाई करनी है, अच्छी बुक्स आपको रखनी है, और अच्छी बुक्स मार्केट में इस समय मैं अगर अपने हिसाब से कहूँ तो है ही नहीं। कुछ बुक्स आई हुई हैं, बहुत ज़्यादा इरर है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ यहाँ पर, कोई मतलब नहीं है। अगर आप उन बुक्स को लेकर के आएंगे देखेंगे तो उसमें घिसा पिटा क्वेश्चन दे दिया गया है, चाहे घटना चक्र हो, चाहे किरण हो, चाहे कोई भी हो, वो मेरे हिसाब से अगर आप कहीं पहले से तैयारी कर रहे थे तो आपके लिए बेटर नहीं रहेगा। क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होगा बीपीएससी का, वो थोड़ा सा पैटर्न आपको अगर पता होगा तो आप जो है किसी बुक से पढ़ करके अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जो मार्केट में बुक्स आई हैं आप उनको जो है लेने से बचें, और ख़ास करके एनसीईआरटी बेस्ड अगर आप बुक पढ़ें, मार्केट में कोई भी अगर एनसीईआरटी बेस्ड बुक ले आते हैं जैसे महेश बड़वाल की आती है, तो आप उससे तैयारी करिए, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। या फिर एससीईआरटी जो बिहार की बुक्स मैं दे रहा हूँ उससे आप तैयारी करिए, वो ज़्यादा बेनिफिट आपके लिए रहेगी। दूसरी बात, अच्छे गाइड का चयन करना मैंने बता दिया। यहाँ पर 3 अभ्यर्थियों का ग्रुप बनाएं, डिस्कशन करें, टॉपिक डिस्कशन करें, निगेटिव सोचें। देखिए अब अगर आप सिंगल रह रहे हैं तो ऐसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप मॉक टेस्ट देंगे तो मॉक टेस्ट से आपका यहाँ पर चीज़ें कवर हो जाएंगी। डिस्कशन करने का समय नहीं है तो मैं इस चीज़ को यहाँ पर हटा देता हूँ। 1 साल का करंट अफेयर आपको पढ़ करके जरूर जाना है, खास करके 6 महीने का जो करंट अफेयर है, यानी 1 जनवरी 2023 से लेकर के और 31 जुलाई 2023 तक का करंट अफेयर मैं मान के चल रहा हूँ 7 महीने का, ये जरूर पूछा जाएगा। तो आपको इस 7 महीने पर ज़्यादा पकड़ बनानी है, और प्लस पिछला 3-4 महीने का और आपको करंट अफेयर देख के जाना है। इसके अलावा उच्च माध्यमिक के लिए स्नातक और पीजी स्तर से कुछ प्रश्न होंगे, तो ये उच्च माध्यमिक के लिए बात यहाँ पर की गई है, मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल इसमें प्राइमरी वाली। तो एससीईआरटी प्लस एनसीईआरटी दोनों बुक्स आपको पढ़ करके जाना है, और जो क्वेश्चन है मैथ्स और रीजनिंग पूछे जाएंगे, बहुत ही सही लेवल होगा, मतलब उनका बहुत ईजी लेवल होगा। और मैं कह सकता हूँ कि अगर आप यूपी टेट या फिर यूपी के हैं सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप अच्छे तरीके से मैथ जो पूछी जाती है वही मैथ वहाँ पर आपसे पूछी जाएगी। 25 से 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स और वहाँ पर रीजनिंग की आपको देखने को मिलेंगे। अब आते हैं अपने वीडियो की तरफ। देखिए अभी तक तो एक सीट पर करीब 8 व्यक्ति 8 से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन जब तक आपका फॉर्म भरा जाएगा, लास्ट डेट होगी, तब तक एक सीट पर 10 लोग प्राइमरी में हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि ये आंकड़ा जो है ज़्यादा हो चुका है, लेकिन इसमें बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सीटेट अपेयरिंग है या अपना अभी जो कोई कोर्स है टीचिंग वाला वो कंप्लीट नहीं कर पाए, वो भी अपेयरिंग में है, तो ऐसे अभ्यर्थी ज़्यादा चांस है कि वो परीक्षा में तो जाएंगे लेकिन उनके पास होने के जो चांसेस हैं वो थोड़ा कहीं कम है, क्योंकि जिनका कोई एग्ज़ाम नहीं, जिनका सीटेट क्लियर नहीं करना है, जिनको अपने टीचिंग का कोई लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं देना है, वो तो अच्छे तरीके से जुटे होंगे पढ़ाई पर अपनी बिहार शिक्षक भर्ती के, लेकिन इनके साथ यहाँ पर दिक्कत होगी। तो मैं एक सीट पर 8 लोगों को फाइनल मान के चल रहा हूँ इस हिसाब से कि अटेंडेंस आपको देखने को मिलेगी, और इस तरीके से आपको तैयारी करनी है कि आप वहाँ पर 100% सिलेक्शन लें। आपका जो टारगेट होना चाहिए, जो मैंने पिछला बताया हुआ है कि 80+ आपका टारगेट यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि अगर आप 60 नंबर ले आते हैं पेपर अगर सही आ जाएगा तो भी हम सेलेक्ट हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। 60 नंबर पर आप शिक्षक नहीं बनेंगे, हमारे हिसाब से कंपटीशन यहाँ पर बढ़ चुका है। आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 80+ का टारगेट होना चाहिए, जनरल ओबीसी कैटेगरी सबके लिए, क्योंकि आप अदर स्टेट के होंगे, आप फॉर्म भर करके जब जा रहे हैं बिहार में तो आप अदर स्टेट के होंगे, तो आपको 80+ मार्क्स जो है लाने की पूरी उम्मीद करनी चाहिए, पूरी कोशिश करनी चाहिए। और मेरे हिसाब से अगर पेपर ठीक ठाक लेवल का रहता है तो ये 70 से 75 के बीच आपकी कट ऑफ यहाँ पर जनरल और ओबीसी की जानी चाहिए मेरे हिसाब से, जो कि ऑप्शन नंबर जो 5 है वो ज़्यादा लोगों के लिए दिक्कत करेगा। तो अगर आप 80 या 80+ रहेंगे तो बिल्कुल आप सेफ रहेंगे, आप अभी आपका टारगेट 80+ होना चाहिए, एग्जाम में पेपर के हिसाब 70 से 75 के बीच अगर आ जाएगा तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। बाकी 25 की डेट में जो है मीटिंग है, आप समाचार पत्र के माध्यम से पढ़ भी सकते हैं, बाकी जैसा जो कुछ फैसला होगा वो हम आपको बताएंगे। अदर स्टेट को बाहर करने की बात यहाँ पर चल रही है, लेकिन इतना ज़्यादा यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और मैं कहता हूँ कि बिल्कुल यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यहाँ पर जो पहले के शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं, उनको यहाँ पर राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जा सकता है, ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। बाकी अदर स्टेट वालों के साथ एक और चीज़ यहाँ पर हो सकती है कि अभी जितने भी वहाँ पर 13,000 सीटों पर आप सभी फाइट कर रहे हैं, मतलब जनरल की जितनी भी सीटें थी वो सभी सीटों पर आप फाइट कर सकते हैं, ये हो सकता है यहाँ पर कम कर दिया जाए, 10% या फिर 20% कर दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है।
तो बाकी जो कुछ भी डिसीजन होगा 25 जुलाई की डेट में हो जाएगा और हम आपको वीडियो के माध्यम से तुरंत बताएंगे। पहले 14 की डेट में होना था लेकिन अब 25 की डेट में हो रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। और हाँ, SCERT की जो क्लासेस हमारे नए चैनल पर चल रही हैं तो आप जो है उसको जरूर देखिएगा, लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में।